सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम लूनेस कुमार वर्मा। अहम् रायपुर जिलांतर्गते शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालये शशांकपैरी मध्ये व्याख्याता रूपेण पदस्थोऽस्मि। अद्य वयं पठामः सप्तम कक्षायाः संस्कृत विषयम्। षोडशः पाठः। पाठस्य शीर्षकः अस्ति नीति नवनीतानि। प्यारे बच्चों, इस पाठ में हम जो नीति के वचन हैं, ऐसे नीति के वचन जो हमारे जीवन के दिशा को निर्धारित करती हैं, जो हमें जीवन के मूल्यों से परिचित कराती हैं, इन मूल्यों पर आधारित श्लोकों का संकलन इस पाठ में किया गया है। आइए हम श्लोकों को देखते हैं। पहला श्लोक, विद्या ददाति विनयम्, विनयादयाति पात्रताम्, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम्। विद्या ददाति विनयम्। विद्या विनय देती है, अर्थात जो व्यक्ति विद्या प्राप्त करता है उसे विनयशील होना चाहिए। विद्या का यही गुण है। यदि विद्या हम प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन यदि हमें विनम्रता नहीं आती है, तो ऐसे में जो विद्या हम ग्रहण किए हैं वह सार्थक नहीं हो पाती है। विनयाद याति पात्रताम। और जब हम विनय से युक्त हो जाते हैं, तब हम में योग्यता आती है, किसी कार्य के लिए हम पात्र हो पाते हैं, लोग हमें किसी कार्य के लिए योग्य समझेंगे। और जब लोग हमें किसी कार्य के लिए योग्य समझेंगे, तो निश्चित रूप से हमें कोई ना कोई कार्य अवश्य मिलेगा, किसी ना किसी कार्य में हम अवश्य लगेंगे। इसलिए कहा गया पात्रत्वात् धनमाप्नोति। जब हमें किसी कार्य में लग जाने की पात्रता होगी, तब निश्चित रूप से जब हम कार्य करने लगेंगे तो हमें धन भी प्राप्त होगा, धनात् धर्मः। और जब हमें धन प्राप्त होगा, तब निश्चित रूप से उस धन का उपयोग या तो हम अपने लिए करेंगे या परोपकार के लिए करेंगे, मानवता की सेवा के लिए, धार्मिक कार्यों में लगाएंगे। तो इस तरह से उस धन का उपयोग या तो हमारे व्यक्तिगत के लिए या समाज की भलाई के लिए लगेगा, ततः सुखम। और यदि हम ऐसा करते हैं, तब निश्चित रूप से हमें सुख प्राप्त होगा। ये सभी कैसे संपन्न हुआ? ये सभी संपन्न हुआ विद्या से, क्योंकि विद्या से हमें विनम्रता आई और विनम्रता से हमें योग्यता आई, योग्यता से हमने धन अर्जित किया, धन से हमने धार्मिक कार्यों को संपन्न किया। और इस तरह से उन धार्मिक कार्यों को संपन्न करते हुए हम सुखी हो सकते हैं, हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। आइए इस श्लोक में जो कठिन पद आए हैं उनके शब्दार्थ देखते हैं। आप देख पा रहे हैं ददाति, इसका तात्पर्य होता है देता है। विनयात, विनयात का तात्पर्य होता है विनय से। विनय इस शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और पंचमी विभक्ति आप जानते हैं अपादान कारक कहते हैं, इसमें से का प्रयोग किया जाता है। पात्रताम, पात्रताम इसका तात्पर्य हुआ योग्यता। आपनोति, आपनोति मतलब प्राप्त होता है। ततः, ततः अर्थ होता है उससे या फिर या उसके बाद। आइए अगले श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। नास्ति विद्या समं चक्षुः, नास्ति सत्य समं तपः, नास्ति राग समं दुःखं, नास्ति त्याग समं सुखं। नास्ति विद्या समं चक्षुः, विद्या के समान नेत्र नहीं है, ये कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि
नेत्रों से हम जिस प्रकार देखते हैं उसी प्रकार विद्या रूपी नेत्रों से भी हम अपने जीवन को देखते हैं, अपने भावी जीवन को देखते हैं, आने वाले समय को देखते हैं, जो समस्याएं आने वाली होती हैं उनको हम पहले से देख लेते हैं। और जब आने वाले समय को जब हम देख लेते हैं तब निश्चित रूप से हम अपनी विद्या के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर उसका निदान करने की दिशा में अग्रसर होते हैं। इसलिए कहा गया नास्ति विद्या समं चक्षुः, नास्ति सत्य समं तपः, सत्य के समान तप नहीं है। देखिए तप की महत्ता के विषय में जानते हो, भारत में आदिकाल से अनेक ऋषि मुनिगण हुए जिनका जीवन तपस्या मय रहा है। तो तपस्या करने के लिए हमें वन जाने की आवश्यकता है क्या? जैसे ऋषि मुनियों ने किया वैसा करना आवश्यक है, हो भी सकता है, लेकिन हम समाज में रहते हुए भी अपना जीवन तपमय कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप लोगों ने राजा हरिश्चंद्र के विषय में सुना है। राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने जीवन भर केवल और केवल सत्य के मार्ग का अनुसरण किया। ये जो सत्य का रास्ता होता है यह बहुत ही सरल प्रतीत होता है, किंतु इस पथ पर चलना, इसका अनुसरण करना उतना ही अधिक कठिन होता है। तो राजा हरिश्चंद्र जीवन भर सत्य के मार्ग पर चलते रहे, इसलिए उनका नाम, उन्हें सत्यवादी के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही यदि हम आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में भारत को स्वतंत्रता दिलाने में जिन्होंने बहुत ही महती भूमिका निभाई है, ऐसे महात्मा गांधी को हम जानते हैं। इन्होंने सत्य और अहिंसा को स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख अस्त्र बनाया था। उन्होंने सत्य का पालन किया, इसलिए गांधी जी आज सर्वत्र पूजे जाते हैं। और इस सत्य का पालन करने के कारण उनका जीवन भी बहुत अधिक कष्टमय रहा है, इस सबसे हम सब परिचित हैं। तो ये जो सत्य का रास्ता है, यदि आप किसी भी पथ का अनुसरण करते हैं, किसी भी मार्ग का अनुसरण करते हैं, किसी सन्मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो वह मार्ग तपमय होता है, चाहे वो सत्य का मार्ग हो या धर्म का मार्ग हो। तो इसे कहा गया नास्ति सत्य समम तपः, तप के समान सत्य नहीं है। तप करने के लिए हमें वनों में जाने की आवश्यकता नहीं है, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में रहते हुए भी अपना जीवन तपमय बना सकते हैं। और इस सब के लिए हम सबको अग्रसर होना है, हमें अपने जीवन में सत्य का पालन करना है। यह श्लोक हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा दे रही है। नास्ति राग समम दुखम, राग समम, राग कहते हैं आसक्ति या मोह को, मोह के समान दुख नहीं है। देखिए प्रेम और मोह में अंतर है, प्रेम करना यह अच्छी बात है, किंतु मोह करना, लालच कर दिए, मोह करते हैं तो मोह से अनेक विसंगतियां उत्पन्न होती है, अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। हम इस संसार में, इस भौतिक संसार में है, माया मोह से युक्त संसार में है, यहाँ हम अपना पराया आदि अनेक भावनाओं को लेकर चलते हैं। और ऐसा करते हुए जब हम किसी को अपना या पराया कहते हैं तब निश्चित रूप से वहां हमें दुख प्राप्त। तो जीवन में सुखी रहने का मूल मंत्र क्या है? कि हम मोह माया से परे, राग द्वेष से दूर, तब हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। यदि हम राग द्वेष में पड़े रहे, माया मोह के बंधन में पड़े रहे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन दुखमय होगा। इसलिए कहा गया नास्ति राग समं दुखम, राग के समान अर्थात मोह के समान कोई दुख नहीं है, अर्थात हमें राग से अर्थात माया से दूर होना ही है, तभी हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। नास्ति त्याग समम सुखम, इन पंक्तियों में त्याग की महिमा के विषय में बातें कही गई है। त्याग किसका? नास्ति त्याग समम सुखम, त्याग के समान सुख नहीं है। त्याग कैसा? त्याग किसको कहेंगे? जब आपके पास कोई वस्तु है और उसकी आपको बहुत अधिक आवश्यकता है, ऐसे समय में आप उस वस्तु को किसी दूसरे को यदि आप देते हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से, और ऐसा करते हुए आपके मन में दुख न हो, तब उस त्याग की महिमा है, तब वह त्याग कही जाएगी।
यदि आप अनभने ढंग से कोई वस्तु किसी को दे देते हैं तब यह त्याग नहीं कहलाएगा। या आपके पास कोई वस्तु बहुत अधिक मात्रा में है या जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है, ऐसी वस्तुओं को यदि आप देते हैं तब यह त्याग नहीं कहलाएगा। त्याग कब कहलाएगा? जब जिस वस्तु की आपको आवश्यकता हो, आप उस वस्तु के दुख को सहन करते हुए भी, उसकी पीड़ा को सहन करते हुए भी दूसरे को खुशी खुशी दे देते हैं, तब ये त्याग कहलाएगा। यदि हम भारतीय इतिहास को देखें तो भारतीय इतिहास में बहुत से ऋषि मुनि महात्मा गण हुए हैं जिनमें ये त्याग की भावना देखने को मिलती है। जैसे आप रंति देव के विषय में जानते हैं, जो स्वयं भूखे रहते हुए भी उनके हाथ में अनायास आए हुए भोजन को उन्होंने अन्य लोगों को दे दिया, खुशी खुशी दे दिया, क्योंकि वे जानते थे कि भूख जो है ये शांत होना चाहिए। उनको स्वयं भूखे थे, वे 48 दिन तक भूखे थे लगातार। इसके बाद उन्हें भोजन प्राप्त हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस भोजन को दूसरे को खुशी खुशी दे दिया था। ऐसे ही महाराज सिमी के बारे में हम जानते हैं। महाराज सिमी ने कपोत की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस काट काट कर दे दिया था, ये त्याग है। इस कारण से उनका नाम आज संसार में है। ऐसे जब देवासुर संग्राम हुआ था तो उस संग्राम में देवों की अर्थात इंद्र की सेना की पराजय हुई थी, तब वे दधीची के पास आए और दधीची से उनके शरीर की अस्थियों की मांग की। तब महर्षि दधीची ने अपने शरीर को दान कर दिया और उनके शरीर की अस्थियों से फिर वज्र बना, जिससे इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। तो यह त्याग की महिमा, नास्ति त्याग समम सुखम। तो इस तरह से यदि हम त्याग करते हैं और ऐसा त्याग करते हुए मन में दुख नहीं होना चाहिए, तब उस त्याग की महिमा है। प्यारे बच्चों, आइए ये जो श्लोक हमने देखा इसमें जो कठिन पद आए हैं उन्हें देखते हैं। नास्ति ये कैसे बना है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है। न धनस्ति इति नास्ति, यहां पर दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है और इसका तात्पर्य होता है नहीं है। समम, समम इसका अर्थ होता है समान। तपह, तपह अर्थ होता है तपस्या। राग समम इसका तात्पर्य होता है आसक्ति या मोह के समान। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेशे सुधनम विद्या व्यसने सुधनम मति परलोके धनम धर्म शीलम सर्वत्र वैधनम। विदेशे सुधनम विद्या, ये जो विद्या है ये जब हम विदेश जाते हैं या कहें कि हम अपने स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान के लिए जाते हैं, तब ये जो विद्या है यह धन का कार्य करती है। अर्थात बुद्धि के बल पर यदि हम अन्य स्थान पर भी जाते हैं तो वहां हम धन अर्जित कर सकते हैं। ये विद्या ही वहां धन का कार्य करती है। इसलिए कहा गया विदेशे सुधनम विद्या, बुद्धि के बल पर। जैसे विवेकानंद जब शिकागो गए थे, अमेरिका में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था वहां गए थे, तब उनके पास धन नहीं था, लेकिन हाँ उनके पास विद्या था, उनके पास ज्ञान था। उस ज्ञान के बल पर उन्होंने अमेरिका जैसे देश में जाकर भारत का परचम लहराया था। यह संभव हुआ था विद्या के कारण। इसलिए कहा गया विदेशे सुधनम विद्या व्यसने सुधनम मति है। व्यसन कहते हैं बुरी आदत को। व्यसने सुधनम मति है, मति का मतलब होता है बुद्धि। यदि बुरी आदतों में धन है बुद्धि, अर्थात यदि व्यक्ति में बुरी आदतें हैं तो ऐसे में जो बुद्धि है वो उस व्यक्ति को बुरी आदतों से बचा सकती है। इसीलिए कहा गया व्यसने सुधनम मति है। बुरी आदतों में बुद्धि जो है वह धन है। किसी व्यक्ति में बुरी आदतें हैं और उस व्यक्ति में यदि बुद्धि आ जाए तब उन बुरी आदतों से छुटकारा पाया जा सकता है, अन्यथा और कितने आप उपाय कर लें उन आदतों से आप उन्हें छुटकारा नहीं दिला सकते। कब तक? जब तक उनमें स्वयं अपनी बुद्धि विकसित न हो, जब तक वो न चाहे कि मुझको इसको छोड़ना है, तब तक वो व्यसन को, बुरी आदत को छोड़ नहीं सकता है।
तो इसलिए उस व्यक्ति में जो बुरी आदतों से ग्रस्त व्यक्ति है उसमें यदि बुद्धि जागृत करने में हम सफल हो पाते हैं तो निश्चित रूप से हम उन्हें बुरी आदतों से भी छुटकारा दिलाने में समर्थ हो पाएंगे। पर लोके धर्म धर्म बातें कही जाती है इह लोक और पर लोक की। इह लोक कहते हैं इस लोक को, ये जो संसार है भौतिक संसार हम इसको कहते हैं, इसको इह लोक कहा जाता है। जैसे कहते हैं कि जो आया है उसे एक दिन जाना है, कहाँ जाना है, हम कहते हैं इह लोक में आए हैं और जाना कहाँ है, पर लोक में जाना है, दूसरे लोक में जाना है, अर्थात मृत्यु होना है। जब मृत्यु होगा तब हम दूसरे लोक में जाएंगे, ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है। तो जब हम दूसरे लोक में जाएंगे तब वहां हमारे साथ क्या जाएगा, वहां धन के रूप में हम क्या प्राप्त करेंगे, ऐसा कौन सा चीज जो हमारे साथ जाएगा, तब कहा गया परलोके धर्म धर्म। पर लोक में दूसरे लोक में व्यक्ति का न तो शरीर जाता है, न कोई भौतिक वस्तु जाता है, न जितने द्रव्य हैं, जितने धन दौलत आदि हैं, ये सब कुछ नहीं जाता है। क्या जाता है, तब व्यक्ति के साथ में जाता है केवल और केवल उसका धर्म, वो जो परोपकार करता है, जो मानव कल्याण के लिए जो कार्य करता है, ये कार्य जो है ये धर्म के कार्य कहलाते हैं। और ये धर्म जो है, ये जो नेक कार्य है, ये ही व्यक्ति के साथ परलोक में जाता है, और ये जो नेक कार्य है ये ही परलोक में उस व्यक्ति का साथ देता है। सीलम सर्वत्र वही धनम, सील, सील कहते हैं व्यवहार को, सर्वत्र यह अव्यय पद है, वही धनम यह ही एक धन है, और सील जो है व्यवहार जो है इसको सभी जगह धन के रूप में स्मरण किया गया है, अर्थात हम चाहे जहां भी रहें हमें सदैव व्यवहारशील होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमें व्यवहार अच्छा बनाकर रखना चाहिए सभी स्थानों में। आइए इस श्लोक में जो कठिन पद आए हैं उनके शब्दार्थ देखते हैं। आप देख पा रहे हैं विदेशेषु, इसका तात्पर्य होता है विदेशों में। विदेश मूल शब्द है, सप्तविभक्ति बहुवचन पे यह रूप है। ऐसे ही व्यसनेषु, इसका तात्पर्य होता है व्यसनों में या बुरी आदतों में। व्यसन मूल शब्द है, यहां भी सप्तविभक्ति बहुवचन का यह रूप है। परलोके, परलोके का तात्पर्य होता है परलोक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्मे को गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतान्यपि एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारा सतैरपि। वर्मेको गुणी पुत्रो, एक गुणवान पुत्र ही श्रेष्ठ है। वर्मेको वर्मधन एको इति वर्मेको, एक ही गुणवान पुत्र जो है, वर कहते हैं श्रेष्ठ को, एक ही गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है। बहुत अधिक पुत्रों की आवश्यकता नहीं है, अधिक संतानों की आवश्यकता नहीं है। जैसे जो कहते हैं कि वंश का नाम करेगा, कुल का नाम करेगा, या जैसे कुल दीपक कहते हैं, तो ऐसा कहने के लिए आपको केवल केवल एक गुणी पुत्र की आवश्यकता है, एक गुणी संतान जो है ये आपका नाम रोशन कर सकता है। न जब मूर्ख सतान्यपि, न कि जो संख्या में तो सतान्यपि अर्थात 100 से भी अधिक हैं, लेकिन वे मूर्ख हैं, वे अयोग्य हैं, तो ऐसे अयोग्य पुत्रों की अपेक्षा, माने सैकड़ों अयोग्य पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र जो है वह वर है, वह श्रेष्ठ है, वह अच्छा है। अर्थात जो संतान है उसे हमें श्रेष्ठ बनाने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए, न कि संतानों की संख्या वृद्धि करने में हमें लगना चाहिए। वैसे भी शासन पक्ष का यह प्रयास रहता है कि लोग परिवार नियोजन को अपनाएं, छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसा भी कहा जाता है। तो छोटा परिवार सुखी परिवार क्यों कहा जाता है, क्योंकि यदि परिवार छोटा होगा तो उसमें हम संतान का भली प्रकार से पालन पोषण कर सकते हैं और निश्चित रूप से उनके शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया वर्मेको गुणी पुत्रो, एक ही गुणवान पुत्र अच्छा है, न च मूर्ख सतान्यपि, सब मूर्ख पुत्र जो है उनसे एक गुणवान पुत्र अच्छा है। एकश्चंद्रस्तमो हन्ति, एक अकेला चंद्रमा, तम, तम कहते हैं अंधकार को, अंधकार को दूर करता है।
न च तारा सतैरपि, न कि तारा अर्थात जो आसमान में हमें तारे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे तारे जो दिखाई देते हैं जो सैकड़ों की संख्या में होते हैं, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो ये जो चित्र में आप देख रहे हैं जितने सैकड़ों तारे दिखाई दे रहे हैं, इससे रात्रि का अंधकार दूर नहीं होता है। रात्रि का अंधकार दूर किससे होता है? रात्रि का अंधकार दूर करता है चंद्रमा। तो ऐसे ही हमारे जीवन में उजाला, हमारे जीवन प्रकाश, हमारा नाम फैलाने वाला कौन होगा? वो एक गुणवान पुत्र होगा। जैसे चंद्रमा जो है अकेला रात्रि के अंधकार को दूर करता है, उसी तरह से एक गुणवान पुत्र जो है हमारे जीवन को प्रकाशमय कर सकता है। आइए इस श्लोक में जो कठिन पद हैं उनके शब्दार्थ देखते हैं। वरम, इसका तात्पर्य होता है श्रेष्ठ। तमह, अंधकार। हंति, मारता है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। जब हम किसी से बात करते हैं तो सत्य असत्य दोनों तरह की बातें लोग करते हैं, लेकिन वास्तव में नीति क्या कहती है? नीति यह कहती है कि सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। कैसा सत्य बोलना चाहिए? जो प्रिय हो ऐसा सत्य बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, किंतु न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्यम धन अप्रियम इति सत्यम प्रियम, किंतु जो सत्य तो हो किंतु अप्रिय है, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। क्यों नहीं कहनी चाहिए? सत्य तो है किंतु अप्रिय है। हाँ, यहां पर ये इसलिए नहीं कहनी चाहिए क्योंकि ऐसी बातें यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसको अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। यदि किसी के घर में किसी की मृत्यु हुई हो और आपको जाकर सूचना देना है, और आप सीधे सीधे जाकर कह दें कि आपके घर में आपके जो संबंधी हैं, जो आपके करीबी हैं, आपके जो प्रिय हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, ऐसा यदि आप सीधी सीधी बात कहते हैं, बात सत्य तो है किंतु अप्रिय है, ऐसी बातें यदि कहते हैं तो निश्चित रूप से जहां आप बात कह रहे हैं उन लोगों को कितना गहरा दुख होगा, एकाएक उनको गहरा दुख का अनुभव होगा, एक झटका सा अनुभव होगा, हो सकता है वे उस पीड़ा को सह नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति में अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए कहा गया न ब्रूयात सत्यम प्रियम, जो सत्य तो हो किंतु अप्रिय हो ऐसी बातें हमें नहीं कहनी चाहिए। ऐसा कहने से जो सुनने वाला है वो और जो सुनाने वाला है वो दोनों के सामने अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए ऐसी बातें कहने से हमें बचनी चाहिए। प्रियम च नानृतम, जो प्रिय हो, नानृतम न धन अनृतम, न मतलब होता है नहीं, अनृतम मतलब होता है झूठ या मिथ्या। जो प्रिय तो हो और जो झूठा न हो, ब्रूयात ऐसा बोलना चाहिए, अर्थात जो प्रिय हो और जो झूठा ना हो, जो मिथ्या न हो, ऐसा हमें बोलना चाहिए। एस धर्म सनातन, यह सनातन धर्म है। जैसे भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, ये सनातन काल से चली आ रही है, और इस भारतीय संस्कृति की यह महत्वपूर्ण विशेषता है, यह महत्वपूर्ण सीख है, जिसमें व्यक्ति के आचार विचार व्यवहार के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। उन्हीं में यह कहा गया कि व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, किंतु ऐसा न बोले कि जो सत्य तो हो और अप्रिय हो, ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए। और वैसे ही जो प्रिय हो और जो सत्य जो झूठ ना हो, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। तो बोले क्या? बोलना हमें वही है जो सत्य हो और प्रिय हो, ऐसी बातों को हमें बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। बच्चों यहां शब्द आया है ब्रूयात, इसका तात्पर्य होता है बोलना चाहिए। सत्यम प्रियम, ये कैसे बना? सत्यम धन अप्रियम इति सत्यम प्रियम, इसका तात्पर्य होता है अप्रिय सत्य, नानृतम, न धन अनृतम,
इति नानृतम्। इसका तात्पर्य होता है असत्य नहीं या मिथ्या नहीं या झूठ नहीं। चलिए अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षान् परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय सताम विभूतयः। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। वृक्षों में आपने फल लगा हुआ देखा है। वृक्षों के फल भी बड़े रोचक लगते हैं, मधुर लगते हैं। कई फल ऐसे होते हैं जिन्हें हम तोड़कर खाते हैं, मीठे होते हैं। देखिए फलों के भी अलग अलग गुण होते हैं। कुछ फल जो होते हैं कटु होते हैं, कसाय होते हैं, तिक्त होते हैं, मीठे होते हैं। मीठे फल हम सबको पसंद, आपको भी पसंद है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये आप देखते हैं विभिन्न पेड़ों में जो फल लगे हुए हैं, क्या ये फल जो हैं, इन फलों को ये जो वृक्ष है ये क्या खाते हैं? क्या ये स्वयं उपभोग करते हैं? नहीं ना। हाँ तो इन वृक्षों में ये जो फल लगे हुए हैं किसके लिए हैं? ये दूसरों के लिए है। वृक्ष जो है अपने फल स्वयं कभी नहीं खाते हैं, या तो मानव खाता है या अन्य जीव जंतु इन वृक्षों में लगे हुए फलों का उपभोग करता है। तो परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। वृक्ष जो होते हैं ये परोपकार के लिए अर्थात दूसरों के लिए फल देते हैं, अर्थात इनमें जितने फल लगते हैं वे सब के सब दूसरों के लिए होते हैं। वृक्ष के लिए नहीं होता, पेड़ के लिए फल नहीं होते, ये सब के सब दूसरों की भलाई के लिए होता है। ऐसे ही परोपकाराय वहन्ति नद्यः। नदियों में ये जो पानी बह रहा है ये पानी भी किसके लिए है? ये भी परोपकार के लिए है, जग कल्याण के लिए है, ये दूसरों के लिए है। नदियां अपना पानी स्वयं कभी नहीं पीती हैं, इनमें बहने वाला जो पानी है ये जग कल्याण के लिए है, विभिन्न जीव जंतुओं के पोषण के लिए ये निरंतर बहती रहती है। परोपकाराय दुहन्ति गावः। गायें परोपकार के लिए दूध देती हैं। गाय जो है आपने देखा, हाँ दूध पीते हैं ना। हाँ दूध पीने से शरीर जो है क्या होता है? पुष्ट होता है, शरीर में ताकत आती है, स्फूर्ति आती है, बुद्धि का विकास होता है गाय का दूध पीने से। तो परोपकाराय दुहन्ति गावः। गायें परोपकार के लिए दूही जाती हैं, अर्थात गाय जो दूध देती हैं वो दूसरों के लिए देती हैं। या तो उनका अपना बछड़ा पीता है या हम भी पीते हैं, आप भी पीते हैं ना। हाँ तो गाय जो है परोपकार के लिए दूही जाती हैं। ऐसे ही परोपकाराय सताम विभूतयः। जो सज्जन होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनकी जो विभूतियां हैं, उनकी जो संपत्तियां हैं, वे भी परोपकार के लिए होता है। और तो उनका अपना जीवन भी परोपकार के लिए होता है, दूसरों के लिए होता है। अभी जैसे हमने कहा दधीची जी के विषय में, गांधी जी के विषय में, गौतम बुद्ध के विषय में आप जानते हैं। तो ऐसे और बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने अपना सब कुछ परोपकार के लिए लगा दिया। कहा गया सताम विभूतयः, सज्जनों की संपत्तियां परोपकाराय, परोपकार के लिए होती हैं, दूसरों की भलाई के लिए होती है। तो प्यारे बच्चों निश्चित रूप से हम सब, हमारा जीवन भी परोपकार के लिए होना चाहिए। हम सबको भी परोपकार अर्थात दूसरों की भलाई के कार्य में लगना चाहिए हमें, ऐसा कहा गया। यहाँ श्लोक में कुछ कठिन शब्द हैं, आइए उनके अर्थ देखते हैं। परोपकाराय, इसका तात्पर्य होता है परोपकार के लिए। फलन्ति, इसका तात्पर्य होता है फलते हैं। वहन्ति, वहन्ति का मतलब होता है बहते हैं। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयम निजः परो वेति, यह अपना है, यह पराया है, यह
इति गणना लघु चित्तसाम, ऐसी गणना जो लघु चित्त वाले होते हैं, जो संकुचित विचार वाले होते हैं वे करते हैं। अर्थात संकुचित विचार वालों की यह विशेषता होती है कि वे यह अपना है यह पराया इस तरह का भाव रखते हैं। किंतु उदार चरितानां, तो जो उदार चरित वाले होते हैं, जो विशाल हृदय वाले होते हैं, वे उनके लिए वसुधैव कुटुंबकम्, संपूर्ण विश्व संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार के समान है। अर्थात इस संसार में जितने लोग हैं, जितने चराचर प्राणी हैं, उन सबको जो विशाल हृदय वाले लोग होते हैं वे सबको परिवार जैसा मानते हैं और सबके प्रति समभाव की भावना रखते हैं। तो यह अंतर है जो संकुचित विचार वाले हैं उनमें और जो विशाल हृदय वाले हैं उनके विचारों में, उनके सोच में। तो हम सबको विशाल हृदय वाला होना है और सबके प्रति, सभी प्राणियों के प्रति समभाव अर्थात समदृष्टि रखना है। चलिए इस श्लोक में जो कठिन पद आए हैं आइए मिलकर देखते हैं। परो व्यति, यह पद कैसे बना? यह संधि युक्त पद है। पर धन वा धन इति, यहां पर का तात्पर्य होता है पराया, वा का तात्पर्य होता है अथवा, और इति का तात्पर्य होता है ऐसा। वसुधैव कुटुंबकम्, वसुधा धन एव कुटुंबकम्, वसुधा धन एव वसुधैव, यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि है। अर्थात संपूर्ण धरती ही परिवार है। अयम, अयम का तात्पर्य होता है यह, निज, निज का मतलब होता है अपना। आइए बच्चों अभी हमने यह जो पाठ पढ़ा इसके आधार पर कुछ गृह कार्य के प्रश्न मैं आपको देना चाहूंगा, आप नोट करें और इसे फिर अपने विषय शिक्षक से इसका परीक्षण करेंगे। पहला प्रश्न है, अधोलिखित श्लोक को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। श्लोक है, विद्या ददाति विनयम्, विनयादयाति पात्रताम्, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनाद्धर्मः ततः सुखम्। इस श्लोक पर आधारित कुछ प्रश्न है, उन्हें नोट कीजिए। क, विद्या किं ददाति। ख, इस श्लोक में प्रयुक्त अव्यय पद कौन सा है। ग, दुखम पद का विलोम पद श्लोक में क्या प्रयुक्त हुआ है। दूसरा प्रश्न लिखेंगे, निम्न श्लोक को पूर्ण कीजिए। श्लोक पूर्ति करना है। श्लोक है, नास्ति विद्या समं चक्षुः, इसके बाद रिक्त स्थान है, यह आपको पूर्ति करना है। नीचे पंक्ति है, पहले रिक्त स्थान है, उसके पश्चात नास्ति त्याग समं सुखम्। तो इस श्लोक को आपको पूर्ण करना है, पूर्ण करके पुनः इसको लिखेंगे। और प्यारे बच्चों इस तरह से इस पाठ में जो दी हुई महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं इनको आप अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और अपने जीवन का विकास करेंगे। इस पाठ में जो जीवन मूल्य पर निहित शिक्षाएं हैं ये सभी हम सबके जीवन के लिए उपयोगी हैं और आप सभी अपने अपने जीवन में इस पाठ से मिलने वाली शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ अंत में सर्वेभ्यो नमो नमः।